zombie apocalypse. तो कैसे हो भाई लोग, सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो पे। तो आज हम बात करेंगे टाउन हॉल 15 पे सुपर हॉग राइडर्स को कैसे यूज करते हैं। मैंने भाई साहब टाउन हॉल 15 वर्सेस टाउन हॉल 16 बेसिस को उड़ा दिया है भाई। वो भी मैक्स नहीं था, थोड़ा डिफेंस वगैरह मैक्स था। आप लोग सोच सकते हो भाई ये स्ट्रेटजी कितना ओवर पावर है। पहले के टाइम पे ना जब सुपर हॉक्स आया था ना भाई साहब, सब बंदे यूज करते थे भाई। अब भाई टाउन हॉल 16 आ चुका है, नया नया ट्यूब भी आ चुका है और हमारा हीरोज का भी नया नया एबिलिटी भी आ चुका है भाई। वहाँ पे सारे बंदे बिजी है, तो चलो जिनका भी टाउन हॉल 15 है ना, वो बंदा इस स्ट्रेटजी को यूज करे, आराम से 3 स्टार होगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की मेरी आर्मी कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं भाई। 5 हीलर्स, 14 सुपर हॉग राइडर्स। और स्पेल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो भाई 3 रेज, 2 हीलिंग स्पेल, 1 फ्रीज। और सीसी पे मैंने लिया है भाई 80 रेज, 1 इनविजिबल स्पेल और फ्लेम बिंगर। एंड और एक बात भाई साहब, मैं आर्मी लिंक नहीं दिया हूँ क्योंकि मेरा आर्मी कैप ना अपग्रेड नहीं है। जब आप लोग कॉपी करोगे ना आपको प्रॉब्लम भी आ सकता है, इसलिए मैंने नहीं दिया। आप लोग चाहो तो मेरे वीडियो को पाउच करके ना आर्मी लिंक को भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। और तो थोड़ा स्पेस बचा होगा ना, आप कुछ ट्यूब ले लेना जैसे कि पंडलिंग के लिए, ठीक है। तो चलिए भाई बेसिस के ऊपर इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये बेसिस को देखो भाई, टाउन हॉल 16 का है पर थोड़ा डिफेंस मैक्स है। आपको स्टार्टिंग में बोला था मैंने पहले क्या किया भाई, यहाँ पे देखो मैंने तो पहले कून मैक्स शुरू कर दिया क्योंकि सुपर हॉग राइडर्स को अंदर जाने के लिए ना तो अच्छा फनल बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कून मैक्स शुरू कर दिया। मैंने कून मैक्स करते करते भाई कून को अंदर ले गया। कून को मेरा टारगेट ये था कि मैं इक्वल आटलरी एंड एक मल्टीपल इन्फिनो को आराम से टेक डाउन कर सकूँ, ठीक है। फिर दूसरे साइड पर मैं फ्लेम फिंगर को डाल दिया एंड उसके जस्ट साइड पर मैं बैडबैन किंग को डाल दिया। और यहाँ पर मुझे क्वीन वा के साथ भाई ईगल अटलरी एंड एक मल्टीपल इन्फिनो मिल जाने के बाद भाई मैंने यहाँ पे सारे सुपर हॉक्स को डाल दिया। सब भाई अंदर की तरफ आ गए और जहाँ पे सुपर हॉक्स को डैमेज पड़ रहा होगा ना, तब आप लोगों को हीलिंग स्पेल को यूज कर लेना है। और आपके पास जो इनविजिबल स्पेल है ना, आप लोग रॉयल चैम्पियन या क्वीन के ऊपर डाल के क्वीन को भी बचा सकते हो, ठीक है। बस इतना ही करना है भाई। तो चलो आज के लिए इतना ही। और अटैक से भाई साहब आप लोग देख लेना मैंने कैसे किया है 3 स्टार, कहाँ पे डाला कून को, क्या किया किया, आप लोग देख लेना, ठीक है। आप लोग समझ जाओगे क्योंकि मैंने लाइव अटैक्स किया हूँ ना, तो इसलिए आप लोग जल्दी से समझ जाओगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट लगा ना तो मुझे ज़रूर से कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। Feel the ground shaking underneath, trying to take me.